ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के किस्मत कॉलोनी स्थित डोंगरे चौल में कल एक 4 मंजिला इमारत पर मनपा ने अपना हथौड़ा चलाया। अवैध रूप से ये निर्माण किया जा रहा था। मुंब्रा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश आहिर के निर्देश पर अतिक्रमण विभाग के कर्मचारी जितेंद्र साबले और अमित गडकरी ने बड़ी कार्रवाई की। इस 4 मंजिला इमारत पर सुबह से लेकर शाम तक 3री और 4थी मंजिल पर मनपा का हथौड़ा चलता रहा। गैस की मदद से कॉलम और स्लेब भी काटकर गिरा दिया गया। डोंगरे चौल के साबिरा महल के सामने और पिराना टावर के पीछे ये 4 मंजिला इमारत का अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था। बिल्डर का नाम महफूज रईस चौधरी बताया जा रहा है और इसके 2 पार्टनर भी हैं। एक का नाम रियाज और दूसरे का नाम इब्राहिम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस जगह पर पहले सारंग नामक चाल थी, मगर इन बिल्डरों ने यहां एक 4 मंजिला इमारत अवैध रूप से खड़ी कर दी। ये अवैध निर्माण किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर मनपा ने इन बिल्डरों के इस अवैध निर्माण पर किस तरह से हथौड़ा चलाया। जिस तरह से ये निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा था, मगर मनपा ने पूरी तरह से इसे नष्ट कर दिया। वहीं मुंब्रा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश आहिर ने बताया है कि जिस तरह से आज इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है, इसी तरह से शहर में बन रहे अवैध निर्माणों पर एक एक कर मनपा का हथौड़ा चलेगा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।